हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आजकल जो खबरों का सैलाब है, उसमें अगर आपको ध्यान हो तो आपको एक वर्ड सुनने को मिला होगा, वो था हाइपरसोनिक। छोटी सी कहीं हेडलाइन या न्यूज़ टिकर पर आपने देखा हो शायद, हाइपरसोनिक। तो ये हाइपरसोनिक है क्या भला? दरअसल हाइपरसोनिक के मामले में अब हम यूएस, चाइना और रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे। हाइपरसोनिक का सीधा सा रिलेशन है स्पीड से। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेन इंडिया में 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चलती है। फ्लाइट्स, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो 900 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चलती हैं। इसके बाद आता है सबसोनिक, यानी साउंड से कम की स्पीड, मतलब लगभग 980 किलोमीटर पर आर की स्पीड। हमारे रफाल लगभग 1400 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चलते हैं। इससे तेज होता है सुपरसोनिक, यानी 1500 से लेकर 6000 किलोमीटर पर आर की स्पीड। और हाइपरसोनिक, जिसकी आज बात हो रही है, वो है 6000 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा की स्पीड। रिमेम्बर, हमने बात की थी कि कैसे ट्रेन की स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आर, और हाइपरसोनिक यानी स्पीड अप टू 6000 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा। साउंड से कहीं तेज, मतलब 1 सेकंड में आप 1.5 किलोमीटर कवर कर सकते हो, 2 सेकंड में आप 3 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे पहुंच जाओगे। तो अगर आपका डिफेंस, हथियारों में इंटरेस्ट है, तो अभिषेक जो आपको समझाने वाले हैं वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अभिषेक, ओवर टू यू। तो बेसिकली इंडिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट किया था। तो ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे थे कि आप बोल रहे ट्रेन की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये सब जो टर्म्स है, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, इसको यूज करने के लिए मार्क का यूज किया जाता है। 1 मार्क मीन्स होता है साउंड की स्पीड, जो कि अगर हम माइल्स में देखें वो 343 माइल्स पर सेकेंड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो साउंड की स्पीड है हर मीडियम में अलग अलग होती है, यानी एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसमें अलग होगी। तो अगर एक स्टैंडर्ड पकड़े कि एक ड्राई एयर में 20 डिग्री पे अगर साउंड की स्पीड देखे वो थी 343 माइल्स पर सेकेंड, उसको 1 मार्क कहा जाता है। तो सबसोनिक हो गया 0.8 मार्क, ट्रांसोनिक हो गया 0.8 to 1.3 मार्क, यानी 1.8 times to 1.3 times, ये होगा ट्रांसोनिक। सोनिक हो गया 1 मार्क, सुपरसोनिक वो हो गया 1.3 से 5 5 मार्क, यानी साउंड की स्पीड के 1.3 to 5 times अगर स्पीड है किसी किसी ऑब्जेक्ट की तो वो सुपरसोनिक होगा। हाइपरसोनिक होगा 5 to 10 मार्क, यानी किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड साउंड की स्पीड से 5 या 10 times ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक होगा। उससे वो ज़्यादा होता है हाइपर वेलोसिटी, ये होता है 10 मार्क, यानी साउंड की स्पीड से 10 times अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो वो होगी हाइपर वेलोसिटी। तो ये जो हाइपरसोनिक है, ये इतनी बड़ी क्या बात है कि हमने हाइपरसोनिक एक व्हीकल का टेस्ट किया। तो ये एक क्यों इतनी बड़ी बात है, जैसे कि आपने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक, अभी तक ये 3 कंट्री के पास में थी, यूएसए, रशिया, चाइना और अब इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर हमारी अगर स्पीड बढ़ती है तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम हाइपरसोनिक स्पीड में जा रहे हैं, यानी साउंड की स्पीड से 5 times ज़्यादा अगर तेज हमारी स्पीड है तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल उस फ्रिक्शन की वजह से टूट सकता है, या उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उसमें आग भी लग सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना कि अगर आप हाइपरसोनिक स्पीड में जा रहे हैं वो स्पीड अचीव करना, और आपकी जो पूरा जो व्हीकल है जो ये स्पीड से जा रहा है उसकी बॉडी इंटेक हो, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है जो कि इंडिया ने डेवलप कर ली है। अब इंडिया 4th कंट्री जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन व्हीकल का एक टेस्ट किया था। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ जाए तो बेसिकली एक मिसाइल थी जो कि मार्क 6 पे, यानी साउंड की स्पीड से 6 times ज़्यादा तेज जा सकती है। तो ये जो एक व्हीकल है, एक बेसिकली एक मीडियम है, इसका हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये व्हीकल इसको ऐसे मिसाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ये एटॉमिक बम या जो नॉर्मल बम है वो भी कैरी कर सकता है। साथ ही साथ ये एक ये सैटेलाइट भी कैरी कर सकता है। अगर आपको लो ऑर्बिट में, अर्थ की लो ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना है तो
तो आप इस व्हीकल का यूज कर सकते हो। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं PSLV के थ्रू, उसके कंपेरिजन में अगर इससे हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। दूसरा, ये हाइपरसोनिक अगर मिसाइल्स है तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? इसका एडवांटेज ये कि अगर आप साउंड की स्पीड जितनी तेज स्पीड से जाएंगे तो जो सामने वाली कंट्री है उसके रेडार पे इसको कैच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, और कैच कर भी रहते हैं वो उनके रेडार, तो उनका रिस्पांस टाइम जो रहेगा, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है तो उनको रिस्पांस टाइम करने के टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी है। अभी बात करें जो इंडिया के पास जितनी मिसाइल्स है, आपको उसकी प्रोफाइल दिख रही होगी। ये जो पूरा मैंने डाटा दिया है एक इंटरनेशनल वेबसाइट से लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको पूरा इंडिया का मैप अलग दिखाया है, POK और स्काई चीन को अलग दिखाया है। क्या हम आपको समझाने के लिए इस मैप का यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे कम रेंज की भारत की जो मिसाइल है वो है प्रहार, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। इसके पहले मैं आपको इस मिसाइल पर बता दूंगा। बेसिकली जो मिसाइल्स होती है वो दो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, दो टाइप की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बैलिस्टिक पाथ फॉलो करती है। बैलिस्टिक पाथ कैसे होता है कि सबसे पहले मिसाइल ऊपर जाएगी, ये जाती है स्पेस में, फिर ये नीचे आती है, तो इनको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, वो अर्थ के एटमोसफेयर में ट्रेवल करती है। जैसे आपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की तो ये एक बहुत ही अर्थ के क्लोज सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसे बहुत ही पास में से जाती है ये। तो सबसे भारत की जो पहली मिसाइल है जो सबसे कम रेंज की प्रहार, जिसकी 150 किलोमीटर रेंज है, उसके बाद ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है। ये मार्क 3 पे यानी साउंड की स्पीड के 3 times ज़्यादा तेज स्पीड से जाती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल कंसिडर की जाती है। ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। इसकी रेंज होती है 300 किलोमीटर। उसके बाद आती है पृथ्वी 2 जिसकी 350 किलोमीटर है, अग्नि 1 700 किलोमीटर है, निर्भय ये को क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर। ये आप मैप पे देख भी सकते हैं, जो फर्स्ट मिसाइल है ये आपको यहाँ पे दिखा रहेगा वो मैप में किसकी रेंज कहाँ पे है। जो सेकेंड नंबर ब्रह्मोस है वो उसकी रेंज दिखा रहा है, ये कहाँ तक जा सकती है। पृथ्वी की ये रेंज 3 से आपको दिख रही होगी इस मैप में, अग्नि 1 की ये 4, निर्भय जो 5 नंबर पे उसकी रेंज ये आपको दिख रही है कहाँ तक जा सकती है। उसके बाद अग्नि 2 जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। उसके बाद है अग्नि 3 जिसकी रेंज है 3200 किलोमीटर। उसके बाद अग्नि 4 जिसकी रेंज है 350+ किलोमीटर, और अग्नि 3500+ किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, और अग्नि 5 जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और अग्नि 5 पे मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया तो वो आधा अफ्रीका कवर कर रही है। आधा अफ्रीका चाइना तक कवर कर रही है वो। अगर आप इसको इंडियन ओशियन में कहीं से प्लेस करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट भी कवर कर सकती है, पूरा अफ्रीका कवर कर सकती है। और अगर आप अरेबियन सी से इसको अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो लगभग पूरा यूरोप भी कवर कर सकती है अग्नि 5। तो ये थी बेसिक इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, और जो इंडिया की पूरी पोर्टफोलियो मिसाइल का उसके बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मिसाइल्स की बात क्यों करना या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली नॉन वायलेंट चीजें नहीं है, ये वायलेंट चीजें, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वेपन्स हैं, इनकी बात क्यों करना। तो मैं एक चीज ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। जिस तरह से अभी अभिषेक ने बताया कि ये हाइपरसोनिक स्पीड का जो व्हीकल है वो सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है, वो मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपसे ये नहीं कह रही कि आप हथियार बनाएं, या टेक्नोलॉजी आपसे ये नहीं कह रही कि आप इसका इस्तेमाल किस वे में, किस तरीके में करेंगे। टेक्नोलॉजी इज न्यूट्रल, तो टेक्नोलॉजी पर आप लोग सवाल ना उठाएं, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी सर, ये आपके आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आपको इसका यूज कैसे करना है, आपको इसे एटॉमिक बम छोड़ना है या सैटेलाइट छोड़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है, पर आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। राइट, इनकेस कभी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो आपके पास जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस में वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपना डिफेंस ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकें।
एग्जैक्टली. तो इस बार के वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगाओ. लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं. अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर.